हाय गाइस, आई एम स्तुति फ्रॉम ई विद्यार्थी और इस सेशन में हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। इस सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 ऑन पेज नंबर 1.68 ऑफ द बुक टीएस ग्रेवाल। स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट अगेन इसमें एक वेरिएशन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो उसे भी ट्राई करेंगे। Ram and Mohan are partners in a business. Their capitals at the end of the year were 24,000 and rupees 18,000 respectively. So Ram and Mohan partners hain aur unke hame capital di hui hai 24,000 aur 18,000. During the year, ye jo capital hai, this is not the opening capital, this is the capital at the end of the year, yani closing capital. During the year 2014 and 15, Ram's drawings and Mohan's drawings were rupees 4,000 and 6,000 respectively. Profit during the year was rupees 16,000 and calculate the interest on capital at the rate 5% per annum for the year ended 31st March 2015. So, हमें drawings का amount दिया हुआ है और profit दिया हुआ है और interest on capital calculate करना है at the rate 5% per annum. Okay. So, अब हम क्या करेंगे? इस question को solve करेंगे। अब इसमें problem क्या है कि हमें opening capitals given नहीं है। हम जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, तो पहले हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे और उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल, एक हमारा पार्टनर है राम और एक हमारा पार्टनर है मोहन, दोनों के लिए कैलकुलेशन करेंगे साथ ही में। क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है 24,000 एंड 18,000। अब ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं ड्रॉइंग्स और लेस कर देते हैं प्रॉफिट्स। ड्रॉइंग्स ऐड कर देंगे, ड्रॉइंग्स ऐड कर देंगे। राम की ड्रॉइंग्स है रुपीज 4,000 और मोहन की ड्रॉइंग्स है रुपीज 6,000, 28,000 एंड 24,000। अब प्रॉफिट इसमें से लेस कर देंगे और हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, तो लेस प्रॉफिट हमें बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, यानी 16,000। 16,000 हमने पार्टनर्स की कैपिटल में डाल दिया होगा, तो अब हम उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो हमें क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो 16,000 का प्रॉफिट है इक्वली डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज 8,000 एंड रुपीज 8,000। ट्वेंटी थाउजेंड एक ही कैपिटल आ रही है ओपनिंग कैपिटल, और ये आ रहा है हमारे पास 16,000 मोहन की कैपिटल। दोनों की ओपनिंग कैपिटल्स आ गई है, राम और मोहन की। अब हम इस फिगर्स पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास पहला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे विच इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे, एक्स की ओपनिंग कैपिटल है 20,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमें रेट गिवन है 5% पर एनम, तो 20,000 पे 5% लगा देंगे और हमारे पास फिगर आ जाएगी रुपीज 1,000।
1000 rupees आ गया हमारे पास x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब हम y के सेम कैलकुलेशन करेंगे. फॉर y, y की ओपनिंग कैपिटल है 16000. 16000 पे हम 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे और हमारे पास फिगर आ जाएगी रुपीज 8000. सॉरी रुपीज 800. 800 आ रहा है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ y. तो इस तरह से जब भी हमें क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन होती है तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल्स फाइंड करनी होती है, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज करते हैं. तो ये था एक और क्वेश्चन टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया. एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next session. Till then, bye-bye.